पीसागंज थाना अंतर्गत बुधवार को एक शराबी युवक ने अपने ही जवान बेटे को शराब के नशे में मारपीट कर जहरीली दवाई पिला दी, जिससे उसकी दौराने इलाज जिला अस्पताल में मौत हो गई। पीसागंज पुलिस ने मृतक की मां की रिपोर्ट पर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर जांच शुरू कर दी। मृतक नितेश की मां की माने तो उसका पति बनवारी लाल आदतन शराबी है और आए दिन सभी बच्चों के साथ शराब के नशे में मारपीट करता है। बुधवार को भी उसके बड़े बेटे नितेश के साथ बनवारी लाल ने मारपीट की और जबरन जहरीली दवाई पिला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। आप ही बताएं, नितेश आपका क्या लगता था? मेरे बेटा था पटा वाला। क्या हुआ था इससे? बाप ऐसे शराब पी के मारपीट किया, उसको दवाई खिला दी। क्यों मारपीट करता था ये बाप? ये दूसरे के लाइन में लगा हुआ था, हमारे को नहीं चाहता था। दो दिन हम रोड पे बैठे थे, मारपीट के भगा दिया। कल नदी में मारा था, बहुत खतरनाक। आपको भी मारता है? हमेशा मारता है और चक्कू की यहाँ पे मारी मेरे। कल नितेश को भी मारा था? जी बहुत मारा, और फिर दवाई देने के बाद मैं भी पेट पे कूदा, इसको मार रहा था, मेरे को मार रहा था। अच्छा, ये नितेश की तबीयत खराब कैसे हुई थी? इसकी मारपीट से हुई या कोई और वजह से? पहले तो उसको मारा, खूब मार, सुबह से मारा, और मैं हम पिसा थाने में जाने लगा था, हमारे पत्थर की अत्थर की मार के। फिर बच्चा ऐसे नदी में भगा, बोले अंदर अजमेर जाते तो उस नदी में जाके मारा, वो परेशान हो गया बच्चा, पता नहीं क्या पी के। नितेश को कुछ खिलाया पिलाया था? कुछ नहीं खिलाया, कोई जहर वहर को खिलाया था क्या? पिला दिया इसने, पिला दिया, और मेरे बच्चे को दोनों को, और हमारे को कभी नहीं चाहता था ये। शराब किसने पिलाई थी नितेश? इसने पिलाई है, चोरियां करी थी, 4-5 हजार रुपए, एक बाजू में एक डोगरा था, उसका चोर के ला के उसको पिलाया, ये पिया। ये चोरी करता है? जी। आपने पुलिस को कभी शिकायत दी? जाने नहीं देता, ये पत्थर फेंकता है। अच्छा, जो नितेश की अगर मौत हुई है तो उसका जिम्मेदार ये है? ये दुष्ट हमारे कोई मार देता, पर हम तो बच गए, कल बाजार में इधर उधर घूम रहे थे, पत्थर फेंक। मृतक की माँ की रिपोर्ट पर पीसागंज थाना पुलिस ने आरोपी बनवारी लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। क्या पूरा मामला? श्री सरोज देवी, वाइफ ऑफ बनवारी लाल, निवासी बाहुता ने एक रिपोर्ट पेश की है कि मेरे पति शराब के नशे में मेरे बच्चों के साथ मारपीट करता है और मेरे बड़े बेटे के साथ भी मारपीट की है, और उसको कोई ये कपास में या फसल में कोई छिड़कने वाली दवाई पिला दी है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। जी, और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने की कर पा रहे। उम्र लगभग 17 साल बताई है, लेकिन अभी कागजों में नहीं देखा, हमने कागज नहीं लेके आए। जी, कोई हत्या का संदेह जताया? अब इसके बताने के अनुसार तो ऐसा ही होता है कि मारपीट की है और जहर पिलाया है। मेडिकल बोर्ड कराएंगे? मेडिकल बोर्ड से कराएंगे, जाँच जारी है। जाहिरा ने चोट मिलेगा? जाहिरा चोट, एक सिर में खून आ रहा है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक, तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।